ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षरा कहाँ चली गई? अक्षरा देते से जैसे उसके होठों पर कोई बात ठहरी हुई थी और वही बात उसे कान तक खींच लाई। लेकिन वो बात क्या थी? क्या कहना चाहता था मुझसे? कि सब मेरी वजह से हुआ है, मैं आती होती थी कुछ भी नहीं होता। अक्षरा जी मेरी बात तो सुनिए। अक्षरा जी बस करिए दीदी, और कितना रोएंगी आप? माँ जी कैसा है अभिमन्यु? माँ जी उसका अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। हे भगवान। माँ जी हॉस्पिटल में ज्यादा लोग नहीं रुक सकते थे तो हम वापस आ गए। आप और बाकी सब? बाकी सब तो जहाँ होने चाहिए वही हैं, पर अक्षरा की तरह नहीं कि गलत जगह पे गलत टाइम पे पहुँच जाए। सोच समझ के बोल सुरेखा, अभीर और मुस्कान घर में है। अब कितना छुपाएंगे माँ जी? मैंने नहीं, सबने देखा कि कैसे अक्षरा भाग के अभिमन्यु के पास गई, और सिर्फ गई नहीं, ऐसे स्पीड में गई है कि पिछले अपने 6 साल, अपनी शादी, अपना पति, अपने बच्चे सबको भुला के भागी है। और उतना ही नहीं, अपनी बहन की सगाई अभिमन्यु से होने वाली है वो भी भूल गई। बताओ कब? अभिमन्यु हॉस्पिटल में है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, और इस वक्त तो ये सब सोच रही है। सोच तो सब रहे हैं माँ जी, मैं बस बोल रही हूँ। अरे किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। देखिए मैंने आज तक पीसा तो नहीं है, मगर मुझे पता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अक्षरा के चक्कर में आप लोग कितनी बार आरोही की खुशियों की बलि चढ़ाएंगे? आज मंजरी जी ने भी अक्षरा की आंखों में सच देख लिया। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देख पा रहे? ये सब ना आप ही की गलती है। बस करो, बहुत बोल लिया। सॉरी दीदी, मगर आपको मानना पड़ेगा कि ये वो गलती है जिसकी वजह से ये रिश्ता, ये परिवार खत्म हो जाएगा। गलती है? कौन सी गलती है? इतने सालों बाद अक्षु को अपने घर वापस बुलाना गलती है? जमाई सा और कुंवर सा को अपने परिवार के साथ जोड़ना गलती है? गलती ही है माँ जी, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं पहचान पा रहे हो। अक्षरा और अभिमन्यु का साथ शिव और पार्वती जैसा अटूट है। ये वो प्यार है जो कभी कम नहीं होगा, ना कभी खत्म होगा। अजी उन्हें दिल से कभी कोई अलग नहीं कर सकता। उन दोनों का पास आना मतलब चट्टानों से टकराने जैसा है, और आप उन दोनों को ही एक छत के नीचे खड़ा कर रहे हैं। भूचाल तो आएगा ना माँ जी, क्या पता अक्षरा और अभिमन्यु अपनी अपनी शादी में ढोंग रचा के फिर से एक होना चाहते। सुरेखा अब एक शब्द और बोला तो तू हमसे टकराएगी, और फिर पता चलेगा चट्टानों से टकराना क्या होता है। जब ऐसा
सुरेखा। माफ कीजिए जमाई साहब, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। जमाई साहब, क्या अभी भी आप मुझसे झूठ बोलेंगे कि कल रात आपकी कमर में दर्द था? जमाई साहब, मैं आपसे बड़ी हूं, आपकी उम्र से भी लंबी मेरी शादी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जैसे स्वीट हो, आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने आप में ही मिसाल है, पर शादी नहीं। सॉरी, मगर असली हस्बैंड एंड वाइफ आप दोनों जैसे तो नहीं होते ना। जमाई साहब, क्या आपने जानबूझकर अक्षरा से फासला कर रखा था? क्योंकि आपको पता था कि एक ना एक दिन वो ऐसे ही अभिमन्यु के पास भाग के चली जाएगी। जमाई साहब, आप सचमुच इतने नादान तो नहीं है ना?